अस्सलाम वालेकुम, मैं उरियान और आप देख रहे हैं जुलेखास किचन। आज की जो रेसिपी है वो है मसाला चिकन फ्राई। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सिंपल ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, तो इसे आप ज़रूर बना के देखना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन चाहिए, तो यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन लिया। अब हम इसमें एक एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गर्म मसाला, नमक, ब्लैक पेपर और साथ ही साथ चाट मसाला डाल के इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। तो 5 से 6 हमने हरी मिर्च को मीडियम साइज़ में काट के इसके डाल दिया। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी डाल देंगे कटे हुए, जिन्हें हमने बहुत पतला करके काटा है। फिर इसमें हम चॉप करे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे मुट्ठी भर, और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तब इन दोनों को डाल के हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से मिला लीजिएगा, और साथ ही साथ 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिएगा। तो आप इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फिर हम एक पैन में तेल लेंगे, और फिर इसमें 4 से 5 लौंग, 4 से 5 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 9 काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर हमारा जो मैरिनेट करा हुआ चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इन सबको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से इन्हें फ्राई करना है, और मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई करना है हमें। तो 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर जब 10 मिनट हो जाए फिर हमें अच्छे से इन्हें फ्राई करने लग जाना है। और मैं बता दूँ, प्याज और चिकन में से पानी निकलेगा, तो हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, इसे हमें अच्छे से फ्राई करते रहना है। तो इसे फिर से 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम फिर से ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए। तो हमें इसे अच्छे से फ्राई करते रहना है, और फिर इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते भी डाल देना है, और इसे अच्छे से मिलाते रहना है, और आपका मसाला चिकन फ्राई बनके तैयार हो चुका है। आप भी ऐसे ही मसाला चिकन फ्राई बना के देखिएगा। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और फेसबुक में भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी ऐसे ही मसाला चिकन फ्राई बना के ज़रूर देखें। और ये तो खाने में बहुत टेस्टी बना है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।